खबर गोंडा से खबर है, जहां मास्टर जी की नींद में खलल डालना एक मासूम को महंगा पड़ गया। सरकारी स्कूल में सो रहे हेडमास्टर की बच्ची यानी बच्चों ने जब शोर मचाया तो मास्टर की नींद टूट गई। गुस्साए हेडमास्टर ने 7 साल की मासूम छात्र की डंडे से बेरहमी से पिटाई की, जिससे बच्चे का दायां हाथ टूट गया, जिसके बाद परिजनों ने आरोपी टीचर के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया। बड़ी खबर गोंडा से, जहां हेडमास्टर की हैवानियत सबके सामने आई। नींद में खलल पड़ने पर बच्चे का हाथ तोड़ दिया, इसे इतना पीटा गया, इतनी बेरहमी से इस बच्चे की पिटाई की गई कि बच्चे का हाथ तक टूट गया। और सिर्फ इस वजह से इस बच्चे की पिटाई की गई क्योंकि बच्चे ने हेडमास्टर की नींद में खलल डाल दिया था। परिजनों को जैसे इस बात की सूचना मिली, परिजन तुरंत थाने पहुंचे और इस पूरे मामले पर मुकदमा दर्ज करवाया। तो नींद खुलने से गुस्साए टीचर ने मासूम की जमकर पिटाई की, पिटाई से बच्चे का दायां हाथ टूट गया। बड़ी खबर आपको बता रहे गोंडा से, जहां स्कूल में सो रहे टीचर को बच्चों के शोर से दिक्कत हुई। हेडमास्टर जी सो रहे थे स्कूल के अंदर, लेकिन जब बच्चों ने शोर मचाया तो हेडमास्टर जी की नींद टूट गई। हेडमास्टर ने उठ के 7 साल के मासूम की इतनी बेरहमी से पिटाई की कि उस बच्चे का दायां हाथ तक टूट गया। जब इस बारे में परिजनों को पता चला तो बच्चे को लेकर थाने पहुंच गए, जहां मुकदमा दर्ज करवा दिया। गोंडा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मास्टर जी की नींद में खलल डालना एक 7 साल के मासूम बच्चे को कितना महंगा पड़ा, यह आपकी तस्वीरों में है।